नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। विजयादशमी के उपलक्ष्य पर ही भगवान श्री राम में राम ने दशानंद का वध किया था। इसके अलावा आज माँ सती का भी बहुत बड़ा त्यौहार जो नवरात्रि होता है उसका आज आखिरी दशहरा मनाया जाता है। इस संबंध में हम बात करने के लिए आए हुए हैं झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम के सरदार पांड्या के भाई हैं और बाबा झा, इनसे हम बात करेंगे इस त्यौहार के बारे में और इस त्यौहार के उपलक्ष्य में बैद्यनाथ धाम स्थान और यहाँ जो शक्तिपीठ है उसके महत्व के बारे में। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं किस प्रकार से इस दिन को मनाया जाता है। विजयादशमी का जो तिथि है, आज असत्य पर सत्य की विजय है और ये पावन त्यौहार हम लोग इसलिए मनाते हैं कि माँ जगदम्बा का आराधना के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो असत्य पे सत्य की विजय को वो पाए थे। उसमें प्रथम पूजा से यहाँ का हवन कुंड खोला जाता है जिसमें 9 दिन यज्ञ होती है जिसमें तकरीबन 50 क्विंटल से ऊपर जलावन, इसमें लकड़ी जलाया जाता है और 1.25 लाख कनेल का पुष्प होता है जो माँ को बहुत ही प्रिय, बहुत ही ये पुष्प माँ जगदम्बा के लिए बहुत ही प्रिय है, उनसे हवन होती है 1.25 लाख पुष्प से। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं माँ जगदम्बा की प्रतिमा जो मंदिर स्थित सरदार पंडा जी द्वारा ये इनको पूजा जाता है। सभी जगहों पे जितनी भी प्रतिमाएं बैठती हैं वो जगदम्बा हैं ही, मगर यहाँ पे कुछ विशेष है क्योंकि ये सभी देवी से हट के, क्योंकि वो ये राजराजेश्वरी हैं। देवी जितनी है जैसे सरस्वती, काली और महालक्ष्मी, ये लक्ष्मी होती है और यहाँ पे महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी की पूजा होती है। और इस उपलक्ष्य पर मैं समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। ये उदाहरण आज का तिथि सत्य दर्शाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे दशानंद से विजय प्राप्त करके वो अपने पुनः अपने आवास पे लौटे थे। विजयादशमी की ढेर ढेर शुभकामना और किसी भी परिस्थिति में हो वो अपनी सत्यता को ना छोड़े। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, यही इस त्यौहार का जो मूल मंत्र है और इसका जो अर्थ निकलता है वो यही है कि दशहरा के दिन जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने रावण को हराया था और रावण का वध करके विजय प्राप्त किया था, सत्य पर सत्य की ये जीत थी, असत्य का हार हुआ था। माता सीता को उन्होंने आज के दिन जिस प्रकार से रावण ने हर के लाया था उसके लिए ये युद्ध किया था उन्होंने, और माता सीता का हरण करने वाले रावण का उन्होंने वध किया था। और वही आजकल भी कुछ कालनिमित तरह के लोग इस संसार में, इस देश में पनप रहे हैं, उनके लिए आपसे हम जानना चाहेंगे। अयोध्या में मंदिर को लेकर 17 तारीख तक दिया है सभी पक्षों को अपना अपना बहस पूरा कर लें, उसके बाद जजमेंट आएगा। उम्मीद है कि इस दीपावली से पहले जजमेंट आ जाता है, तो क्या आप लोग ये सोचते हैं कि अगर दीपावली से पहले ये जजमेंट आ जाता है तो हिंदू सत सनातन धर्म वालों के लिए कितनी बड़ी बात होगी? सबसे पहले आपका पहला सवाल का मैं उत्तर दूँ कि जितने भी अभी कालनेमी कुछ तत्व जो इस संसार रूपी माया में वो अपने उपद्रव को वो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में कहा गया कि धर्म की जय हो, कोई एक धर्म की जय हो ना, वो सभी धर्मों की जय हो और अधर्म का नाश हो। उसी प्रकार जितने भी संसार में अधर्मी हैं उनकी उग्रता और ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, मगर उनका अंत वैसा ही होगा जैसे एक दीपक के तले एक कीड़ा जो बहुत ही अपने आप को साबित करता कि मैं इस अग्नि को बुता दूंगा, मगर वो बुता ना सकेगा और वो खुद उसमें जल के राख हो जाएगा। आपका जो राम जन्मभूमि का जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो ये मैटर चल रही है, मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो सत्य है उसको साबित कर रहा हूँ, ये हम लोगों की दुर्भाग्यता है। जो सत्य है मैं उसको साबित कर रहा हूँ, ये हम लोगों की दुर्भाग्यता है। पर कोई बात नहीं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वनवास किए हुए थे तो ये भी मेरा एक वनवास है और मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से रामलला का भूमि रामलला को ही मिलने जा रही है,
और दीपावली से पूर्व ये जजमेंट आ रही है, तो ये समस्त ये हिंदुओं की जीत नहीं है, ये समस्त भारतवर्ष की जीत है। यहाँ पे जितने भी संप्रदाय हैं ये सबों की जीत है। कुछ दुर्भाग्य था जो ये विलम्ब हो रही है, जब आपको मैं पहले ही बोला कि जब रावण जी 14 साल वनवास किए तो ये भी हम लोग के लिए छोटा सा वनवास है। जय भोलेनाथ। बिल्कुल, इन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार से हमारे पूजा पाठ में कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो वो धर्म की जय होती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, सत्य का जीत हो और असत्य का नाश हो, असत्य का हार हो, यही इस त्यौहार का जो उद्देश्य है ये होता है। और इसी त्यौहार पर आप लोग देख रहे थे मोबाइल न्यूज़ 24 के लिए नीरज कुमार इंद्र कुमार के साथ।